हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर डीपी यादव, अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आप सभी की बहुत बेहद डिमांड पर मैं इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं, और फिर हो सकता है कल से मैं मैकेनिकल भी आपके लिए वीडियो डालूं। आप लोगों ने हमारे अभी साधारण ब्याज के वीडियो को बहुत लाइक और शेयर किया है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभ आशीष, एवं आने वाले समय में भी आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, और हमारे वजह से हो सकता है कि आपके कंपटीशन में एक नंबर भी बढ़ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो हम अपने को भी धन्य समझेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी शुरू करने जा रहा हूं, और उस इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में मैं बेसिक से शुरू करूंगा, और यकीन मानिए आपको इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का इतना दीवाना, इतना फैन बना दूंगा कि आपके पीछे पीछे इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी घूमेगी और आपको लगेगा कि कितनी ईजी ये टेक्नोलॉजी है। तो आइए बेसिक से शुरू करते हैं। हम इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में विद्युत यानी इलेक्ट्रिक है कि? तो इलेक्ट्रिक तो ऐसे बहुत सारी प्रकार की हैं, लेकिन जिस इलेक्ट्रिक का हम लोग उपयोग करते हैं, जिसका सर्वाधिक प्रयोग किया जा रहा है, जिसका उत्पादन किया जा रहा है, उस इलेक्ट्रिक की हम बात करें, और वो इलेक्ट्रिक है हमारी इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर वैद्युत का विवरण। तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और इन छोटे छोटे कणों को हम लोग परमाणु कहते हैं, और फिर इन परमाणुओं की संरचना में एक न्यूक्लियस होता है, एक नाभि होती है। नाभि के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तथा नाभि के बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर विद्युत विवरण की जो बात हो रही है, उसमें हम लोग परमाणु की बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना। परमाणु की संरचना क्या है? परमाणु संरचना परमाणु में एक नाभि होती है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, नाभि कहते हैं। इसमें प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन होते हैं तथा इनकी बाहरी कक्षाओं में ऑर्बिट जिसे बोलते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये हमारी नाभि है या नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस में पोट्रॉन, ये हमारा पोट्रॉन है और यन न्यूट्रॉन है। ई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश इस पर आवेश एक दशमलव छः गुणे 10^-19 कूलाम का होता है और इतना ही आवेश पोट्रॉन पर भी होता है और वो होता है आवेश इस पर प्लस 1.6×10^-19 कूलाम। वैल्यू दोनों की सेम है, इलेक्ट्रॉन पर इतना निगेटिव आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, माइनस आगे लगा हुआ है, जबकि पोट्रॉन पर इतना धनात्मक आवेश होता है। और किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर पोट्रॉनों की संख्या होती है। किसी भी परमाणु में किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और नाभि में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब फ्रेंड्स आपको मालूम है कि जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है। अतः कोई भी परमाणु वैद्युत रूप से जितना इस पर ऋण आवेश है उतना धन आवेश है। अतः कोई भी परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन चूंकि दोनों की संख्या बराबर है इसलिए कोई भी परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन। अतः परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन है। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो नाम से ही जाहिर है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उस पर कोई आवेश नहीं। तो न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है, इस पर कोई आवेश नहीं।
अब फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे इन नाभि जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, जो अपने अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारण किए रहता है और इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये आपकी पहली कक्षा है, ये फर्स्ट कक्षा है या आर्बिट है, ये पहली कक्षा या आर्बिट है, ये आपकी सेकंड हो गई, ये दो नंबर की कक्षा हो गई और ये तीन नंबर वाली कक्षा हो गई आर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन हमारे कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि कूलाम साहब ने एक नियम दिया जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं, और कूलाम साहब ने ये बताया कि यदि दो आवेश विपरीत आवेश हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा, और यदि दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही हैं अथवा दोनों प्रोटॉन प्रोटॉन ही हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो कूलाम का नियम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे हम लोगों को जानना चाहिए। तो कूलाम साहब ने जो नियम दिया वो ये दिया कि यदि दो आवेश Q1 व Q2 r मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का मान F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r² कितने न्यूटन का बल लगता है। कितने न्यूटन का बल लगता है, अब इसी को हम लोग कूलाम का नियम, इसे क्या कहते हैं, कूलाम वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस नियम को दिया, इसलिए इसे कहते हैं कूलाम का नियम। अब इस नियम में आप देखेंगे कि यह व्युत्क्रम बल दूरियां, यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये जो r मीटर है बेटा, ये r मीटर के वर्ग में और फिर उससे भाग देना, यदि दूरी आप 2 मीटर बढ़ा देंगे यानी 2 गुना कर देंगे तो 2 का वर्ग 4 यानी लगने वाला बल चौथाई हो गया। आप ध्यान से देखें, यदि बल पहले 100 न्यूटन आ रहा, सपोज कर लीजिए कि पहले बल 100 न्यूटन आ रहा था, अब आपने इन आवेशों के बीच की दूरी r को 2 गुना कर दिया तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, यानी बल चौथाई हो जाएगा, 100 का चौथाई 25 न्यूटन हो जाएगा। इस तरह से हमारा बल जो है बहुत तेज़ी से घटता है दूरी बढ़ने पर, इसको हम लोग कहते हैं कि कूलाम का नियम जो है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, यही है व्युत्क्रम। r जो है विलोम में है और वर्ग में भी है, घाते 2 है, इसलिए ऐसे सूत्रों को हम लोग व्युत्क्रम वर्ग का नियम बोलते हैं, और व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन हमारा कूलाम का नियम भी करता है। तो इस तरह से लगने वाला बल बहुत तेज़ी से घटता है। अब हम लोग फ्रेंड्स अभी इस पर और भी चर्चा करते हैं, हम लोग देखेंगे कि 1/4πε0 का मान जो होता है वह F बराबर जो हम लोगों ने ये लिखा है, इसका मान जो है 9×10⁻⁹, 1/4πε0 का मान 9×10⁻⁹ होता है, और इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर।
न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। वन अपान फोर पाई एप्साइलन जीरो, जहाँ पर एप्साइलन जीरो निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्साइलन जीरो फ्रेंड क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। अभी हम लोग इसकी बात करते हैं। अब अगर हम लोग इसे पलट दें तो हम लोग देखेंगे कि ये चीज़ पलट गई। अब अगर हम कहें कि भाई एप्साइलन जीरो या निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होगा, निर्वात की वैद्युतशीलता कितनी होगी, तो निर्वात की वैद्युतशीलता जिसे हम लोग कहते हैं एप्साइलन जीरो, तो अगर एप्साइलन जीरो का मान ज्ञात करना है तो इसे हम लोग पलट देते हैं, अंश में ले जाते हैं, तो लिखेंगे एप्साइलन फोर पाई एप्साइलन जीरो बराबर हो जाएगा 1/9×10^9। ध्यान से देखें, अगर इसे पलट देंगे तो ये भी संख्या इधर से भी पलट जाएगी, तो हो जाएगा इतना। अब यहाँ से अगर एप्साइलन जीरो का मान ज्ञात करें तो एप्साइलन जीरो बराबर आ जाएगा 1/4×9×10^9, इस टाइप से आ जाएगा। जहाँ पर यदि पाई का मान 3.14 रख दिया जाए तो यही हो जाएगा बराबर, एप्साइलन जीरो बराबर हो जाएगा 1/4×3.14×9×10^9। इसका मान फ्रेंड्स हल करने पर एप्साइलन जीरो का मान आ जाएगा, एप्साइलन जीरो बराबर आ जाएगा 8.86×10^-12। ये इसकी संख्यात्मक वैल्यू आ गई और मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। निर्वात की वैद्युतशीलता का मान हम लोगों ने फ्रेंड्स ज्ञात किया, ये है निर्वात की एप्साइलन जीरो को ही निर्वात की वैद्युतशीलता का, निर्वात की वैद्युतशीलता कोष्ठ में लिख दे रहे हैं एप्साइलन जीरो, इसी का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 4π0 बराबर, ये पलट जाएगा तो इतना हो जाएगा, इसलिए एप्साइलन जीरो ये हो गई एप्साइलन जीरो यानी निर्वात की विद्युतशीलता। अब अगर हम लोग बात करें इसके, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ये पोट्रॉन जितने परमाणु में पोट्रॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन हमारे इस नाभ से अथवा पोट्रॉन की वजह से इस नाभि से बंधे रहे। लेकिन अब फ्रेंड्स हम लोग गौर करें, कूलाम साहब का जो नियम है वो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला ये आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल, बल F जो है ये आकर्षण बल भी हो सकता है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण, जब विपरीत आवेश होंगे
तो आकर्षण बल होगा, और जब समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल। ये प्रतिकर्षण बल F बराबर हो गया 1/4 pi epsilon 0। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बल जो आकर्षण बल है अथवा प्रतिकर्षण बल है, ये सबसे ज़्यादा जो है वायु अथवा निर्वात में सर्वाधिक बल होता है। इसको नोट करें, कूलाम का जो है दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल होता है, वह निर्वात में अथवा वायु में सबसे अधिक होता है। इसके अलावा जल में रख दिया जाए, बीच में कांच रख दिया जाए, या फिर पेपर रख दिया जाए, तो लगने वाले बल का मान कम हो जाए। उसे हम लोग माध्यम का परावैद्युतांक, तेल में रख दिया जाए दोनों आवेशों को, पानी में रख दिया जाए, उनके बीच में कांच रख दिया जाए, पेपर रख दिया जाए, तो जिस माध्यम में हमारे आवेश रखे जाएंगे उसे हम उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, और उसे K से डिनोट करते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं, इसको मिटा दिया जाए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि इधर जब हमारा आवेश ये दोनों निर्वात अथवा वायु में हो, तो लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। नोट करें इस पॉइंट्स को। निर्वात व वायु में लगने वाला वैद्युत बल सर्वाधिक है। लगने वाला वैद्युत बल सर्वाधिक होता है निर्वात व वायु में लगने वाला वैद्युत बल सर्वाधिक होता है। इसके अलावा यदि हम इन आवेशों को किसी अन्य माध्यम में, जैसे जल है, तेल है, या दोनों आवेशों के बीच में यहाँ पर हम कागज रख दें, तो लगने वाले बल का मान बदल जाएगा और घट जाएगा, और जिसकी वजह से घटेगा उसे हम लोग कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक इसे कैसे डिनोट करते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के होता है, और के बराबर होता है F 0/F, और बराबर होता है epsilon/epsilon 0। माध्यम के परावैद्युतांक के लिए सूत्र है, ध्यान से देखें, माध्यम का परावैद्युतांक हम लोग अभी फ्रेंड्स पढ़े कि सबसे ज़्यादा जो है शून्य में, F 0 क्या है, निर्वात अथवा शून्य में लगने वाला बल। नोट कर लें, माध्यम का परावैद्युतांक के बराबर है शून्य अथवा निर्वात में लगने वाला सर्वाधिक बल बटे F, यानी उस माध्यम में लगने वाला। जब हम इसे पानी में डाल देंगे तो पानी में लगने वाला बल
का मान क्या हो जाएगा वो यहाँ पुटअप करना, और बल के लिए फार्मूला है 1/4 pi एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। जब दोनों आवेश Q1 व Q2 निर्वात अथवा वायु में है तब कितना बल का मान है वो है F0। जीरो का मतलब निर्वात अथवा शून्य में लगने वाला बल। और ऐसे ही फ्रेंड्स F क्या है, जब हम इन दोनों आवेशों को पानी में, इसको पानी में डाल दिया या तेल में डाल दिया या इनके बीच में हम कागज रख दिए, तो लगने वाले बल को हम कहेंगे माध्यम में रखने पर लगने वाला बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। इससे अगर भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उनका अनुपात कर देते हैं, तो उस माध्यम का परावैद्युतांक के की वैल्यू ज्ञात होगी। इस तरह से जब हम निर्वात में रखेंगे तो निर्वात के लिए ये फार्मूला, ये हो गया फार्मूला आपका निर्वात के लिए, ये फार्मूला हो गया आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण। यदि निर्वात के अलावा हम किसी अन्य माध्यम में रखेंगे, निर्वात के अलावा अन्य किसी माध्यम में रखेंगे, तब ये फार्मूला निर्वात के बाद हो जाएगा, निर्वात के अलावा माध्यम में रखने पर, जब हम माध्यम में रखेंगे तब यही फार्मूला हो जाएगा 1/4 pi epsilon 0, तब यही फार्मूला हो जाएगा 1/ माध्यम में रखेंगे तब हो जाएगा लगने वाला आकर्षण बल F बराबर 1/4 pi epsilon 0 k इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तब ये फार्मूला, जहाँ पर क्या के क्या है, के माध्यम का परावैद्युतांक है जिस माध्यम में हम दोनों आवेशों को रखें। इसके अलावा हम परावैद्युतांक को निर्वात की वैद्युशीलता तथा जिस माध्यम में रखा गया है उस माध्यम की वैद्युशीलता, ये अगर जल में रखा है तो जल की वैद्युशीलता एप्सिलॉन है और निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन 0। अगर इसको भी डिवाइड कर दें तो हमारा के की वैल्यू या उस माध्यम का तेल का अथवा पानी का परावैद्युतांक के का मान ज्ञात हो जाता है। के की वैल्यू, परावैद्युतांक के की वैल्यू के का मान निर्वात व वायु हेतु लगभग 1 है, लगभग 1 है, जल के लिए 80 है, पायरेक्स 5 के लिए, और धातुओं के लिए अनंत। और धातुओं हेतु अनंत, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि के का मान जितना ही अधिक होगा लगने वाले बल का मान उतना ही कम होगा। के का मान जितना ही अधिक होगा वैद्युत बल का मान, आकर्षण बल का मान, क्योंकि के से भाग, अतः इसका मान उतना ही कम होगा। तो अगर हम लोग धातुओं के लिए के का मान अनंत है
यदि इन दोनों प्लेटों इन दोनों आवेशों के बीच में हम किसी धातु की प्लेट अगर रख दें तो आप देखेंगे धातुओं हेतु परावैद्युतांक के का मान अनंत है। धातुओं हेतु परावैद्युतांक के का मान अनंत है, अतः लगने वाले बल का मान शून्य हो जाए। नोट कर लें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि दोनों आवेशों के बीच धातु की कोई प्लेट या पट्टी रख दिया जाए तो चूंकि धातुओं हेतु परावैद्युतांक के का मान अनंत है, अतः लगने वाले बल का मान शून्य है। यहाँ पर हम लोग एक बात और भी देख सकते हैं। इस फार्मूले में अगर आपसे कहा जाए कि एक एक कूलाम, ध्यान से देखें, यदि एक एक कूलाम, ए भी वन कूलाम का है और ए भी वन कूलाम का आवेश है और इनके बीच की दूरी r का मान 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 का वर्ग और तब यही फार्मूला हो जाएगा, तब ये फार्मूला हो जाएगा आपका इसका, तब लगने वाला कूलाम बल या दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल F बराबर हो जाएगा इतने का मान 9.9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 का मान 1 गुणे 1 कूलाम बटे 1 मीटर यानी 1 का वर्ग बराबर F बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन। इस तरह से फ्रेंड्स अगर हम लोगों से कोई पूछे कि यदि एक एक कूलाम के दो आवेश आपस में 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, एक एक कूलाम के Q1 का मान 1 कूलाम, Q2 का मान भी 1 कूलाम और उनके बीच की दूरी R का मान भी 1 मीटर लिखा है, 1 कूलाम, तो Q1 का मान भी 1 कूलाम, Q2 का भी मान 1 कूलाम बटे दूरियाँ, तो आप देखेंगे कि उनके बीच लगने वाले बल का मान 9×10⁻⁹ होगा, चाहे आकर्षण बल होगा अथवा प्रतिकर्षण बल। तो ये आपको याद करना है, केवल ऐसे सीधे कोई भी कहे कि एक एक कूलाम के दो आवेश आपस में 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच कितने न्यूटन का आकर्षण बल लगेगा अथवा प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो आप कहेंगे 9×10⁻⁹ का आकर्षण बल लगेगा अथवा प्रतिकर्षण। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग आगे चलते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो कूलाम साहब ने नियम दिया ये व्युत्क्रम भर के नियम का पालन करता है। दूरी अगर 2 मीटर भी बढ़ जाती, यदि 3 मीटर बढ़ गई दूरी तो 3 का वर्ग बढ़ जाएगा। यदि दूरी आपने 3 गुनी कर दिया तो लगने वाला बल 1/3 नहीं हो। अगर आपने दूरी 3 गुनी कर दिया तो लगने वाला बल 1/3 नहीं होगा बल्कि 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो लगने वाला बल 1/9 गुना हो। तो ऐसे वैद्युत बल बहुत तेज़ी से घटता है। तो आप यहाँ पर देखें, परमाणु की संरचना में आ जाएं, परमाणु की संरचना में आप देखेंगे कि यदि ये पहली नाभिक के इलेक्ट्रॉन जो पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हैं उन आपके नाभिक अथवा न्यूक्लियस से बहुत टाइटली बंधे, दूसरी वाली की दूरी थोड़ा बढ़ी, अब ये व्युत्क्रम वर्गीय दूरी r बढ़ी जिसकी वजह से इस पर लगने वाला आकर्षण बल नाभिक का थोड़ा सा कम हो, क्योंकि ये विपरीत आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो धन और ऋण में इसी फार्मूले से 1/4πε₀ Q1 Q2/r² वाले फार्मूले से इसमें भी हम देखेंगे कि दूरी बढ़ने के साथ साथ r² का मान बहुत तेज़ी से बढ़ता है और मालूम पड़ता है
कि जो लास्ट वाली ऑर्बिट है या तीसरी कक्षा है उसके इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का नियंत्रण अथवा नाभिक का आकर्षण बल बहुत न्यून हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर दाएं बाएं भी चल सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को ही हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी। ये इलेक्ट्रॉन जो कक्षाओं में यानी ऑर्बिट में ये 2n स्क्वायर के हिसाब से भरे होते हैं। 2n स्क्वायर के हिसाब से कक्षा भरी होती है, ऑर्बिट भरी होती है। टू एन स्क्वायर यानी n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट या कक्षा का नंबर। तो पहली कक्षा में n का मान 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दूसरी कक्षा में 2 का वर्ग, n का मान दूसरी ऑर्बिट, तो 2 का वर्ग 4, 4 गुना 8, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और तीसरी कक्षा यदि लेते हैं तो n का मान 3 रखेंगे, 3 का वर्ग 9 गुना 18, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि तीसरी कक्षा में यदि 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो भी ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हैं, इधर उधर घूमना चाहते हैं क्योंकि इन पर नाभिक का नियंत्रण कम है। तो ये जो है इजी गोइंग अपनी कक्षा को छोड़कर थोड़ा भी इनको अतिरिक्त ऊर्जा दे दी जाए या इन्हें हीट कर दिया जाए या रगड़ दिया जाए, किसी भी तरह से इनकी ऊर्जा अगर बढ़ा दी जाए, तो ये बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जिस पर नाभिक का नियंत्रण कम है, क्यों कम है? कूलाम के नियम के अनुसार आपने देखा कि दूरी बढ़ने पर यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन होता है, तो दूरी बढ़ने पर बहुत तेज़ी से लगने वाला आकर्षण बल घटने लगता है, जिसके कारण हमारा अंतिम वाली कक्षाओं पर लगने वाला आकर्षण बल बहुत न्यून हो जाता है, बहुत अल्प हो जाता है, जिससे थोड़ा भी एनर्जी पाने पर ये अपनी कक्षा छोड़ सकते हैं अथवा ये अपनी कक्षा छोड़कर चलते फिरते रहते हैं। इसलिए इन्हें हम लोग जो है फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन धारा के प्रवाह में सहायक होते हैं। ये जहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन जाता है अपने साथ 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम का आवेश लेकर जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो अपने साथ 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम का आवेश लेकर चलता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों को हम लोग आवेश कैरियर या आवेश वाहक कहते हैं। और इसी इलेक्ट्रॉनों को हम लोग मूल आवेश भी कहते हैं। मूल आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन। मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन। मूल आवेश हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन। मूल आवेश हमारा इलेक्ट्रॉन है या फंडामेंटल चार्ज इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है आवेश वाहक होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आवेश वाहक होते हैं या आवेश कैरियर। जैसा आपको मालूम है आवेश वाहक होते हैं, अर्थात ये जब चलते हैं तो अपने साथ 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम का ऋणात्मक आवेश लेकर चलते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि जब ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को या आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनों को बहाने के लिए, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन रैंडम गति करते हैं, ये ऊपर नीचे धातु के अंदर ही ऊपर नीचे गति करते हैं,
ये एक दिशा में गति नहीं करती। ये हमारा मान लीजिए कि कोई भी धातु है जिसके अंदर तमाम जो है नाभि है, नाभि के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये परमाणु है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, ऐसे तमाम हमारी नाभि है, ऐसे इनकी संरचना बनी हुई है, ये नाभि है, ये नाभि है, ऐसे इनकी तमाम संरचना बनी है छोटे छोटे कणों से मिलकर, इनकी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये जो है अपनी कक्षा छोड़कर ये इधर उधर चलते तो हैं लेकिन धातु के अंदर ही चलते रहते हैं, ये किसी एक दिशा में नहीं चलते हैं, इसलिए हमें धारा नहीं मिलती है। लेकिन जब हम इन पर एक वैद्युत विभव लगा देते हैं या विभवांतर लगा देते हैं, जैसे ये सेल लगा दें, ये हमारा सेल है, सपोज कर लीजिए ये सेल हमने लगा दिया, ऐसे ये सेल लगा दिया, तो ये सेल का धन सिरा है और ये सेल का ऋण सिरा है, और जब हम लोग ऐसे जोड़ देते हैं तो अगर ये सेल 1.5 वोल्ट का है, 1.5 वोल्ट का है, तो इस सिरे और इसके बीच में जो है, या इस सिरे और इस सिरे के बीच में जो है 1.5 वोल्ट का विभवांतर स्थापित हो जाता है। विभव अथवा विभवांतर क्या है? विभव जो है एक वस्तु के तल को व्यक्त करता है। जैसे आप देखते होंगे कि पानी हमेशा उच्च गुरुत्वीय विभव से निम्न गुरुत्वीय विभव की ओर अपने आप चलता रहता है, वैसे ही ऊष्मा भी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर अपने आप चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार से इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को जो कि धातु के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, आपके तार के अंदर मौजूद हैं, कॉपर वायर के अंदर मौजूद हैं, आपके एल्युमिनियम वायर के अंदर मौजूद हैं, स्ट्रिप के अंदर मौजूद हैं, वो धातु के अंदर ही रैंडम गति कर रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी दाएं जा रहे हैं, कभी बाएं जा रहे हैं, लेकिन उनको एक दिशा की ओर बहाने के लिए, जैसे ऊष्मा एक दिशा की ओर चल रही है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चल रही है, जल जो है उच्च गुरुत्वीय विभव से निम्न गुरुत्वीय विभव की ओर चल रहा है, ठीक उसी प्रकार से इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को भी बहाने के लिए हमें एक वैद्युत विभव लगाना पड़ता है, अथवा इस प्लेट के दोनों सिरों के बीच विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर लगाना पड़ता है, और वो हम विभवांतर जनरेटर के माध्यम से अथवा सेल अथवा बैटरी के माध्यम से एडॉप्ट करते हैं। तो सेल का ये धन सिरा है, यहाँ पर हमने सेल का एक चित्र आपको बना दिया है, हकीकत में सेल को तो ऐसे शार्ट में सिंबल में ऐसे डिनोट करेंगे, तो फिलहाल ये 1.5 वोल्ट का अगर एक ड्राई सेल लगा दिया तो अब ये दोनों सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का, इस तार के और इस तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर स्थापित हो गया। अब ये क्या करेगा, ये सेल का ऋण सिरा, इन इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश है, अतः उनको अपने से दूर प्रतिकर्षित करेगा, इनको इधर की ओर ठेलेगा, तथा ये धन सिरा इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन अर्थात कोई लड़का ये भी कह सकता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। किधर से किधर की ओर गति कर रहा है? इधर है आपका निम्न विभव, निम्न विभव, और इधर है आपका उच्च विभव। इधर की ओर इलेक्ट्रॉन गति करता है, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमारा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करने लगता है,
अथवा आप कहेंगे यदि धन आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉन, आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलता है, जबकि धन आवेश, जबकि धन आवेश यदि हो तो वो धन सिरे से यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इससे तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और इसे आसानी से कहीं नोट कर लें। और ये करीब लाखों बार पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की ओर गति करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं, जबकि धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। और धारा का बहना हमेशा धन आवेश के चलने की दिशा में मानी जाती है, अथवा कोई लड़का कह सकता है कि इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में मानी जाती है। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में अथवा धन आवेश के चलने की दिशा में मानी जाती है। अब जब ये हम विभवांतर लगाएंगे तो ये हमारे आवेश सर्कुलेट होने लगेंगे और परिपथ हमारा पूरा हो जाएगा। इस तरह से आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। हम लोग जो टॉपिक लिए थे कि विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिक क्या है अथवा करंट क्या है, तो हम लोग उस अपने टॉपिक पर आए कि धारा क्या है, तो वैद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो उस पर हम लोग आ गए। इलेक्ट्रिक करंट, जिसे कहेंगे हम लोग विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यानी धारा यदि I से डिनोट किया जाए तो I बराबर क्यू बाई टी, I को एम्पियर में मापते हैं, I को एम्पियर, क्यू को कूलाम, बटे समय को सेकेंड, कूलाम बटे सेकेंड बराबर एम्पियर। देख लीजिए आवेश, ये आवेश को क्यू से मापते हैं और क्यू से व्यक्त करते हैं और कूलाम में मापते हैं, समय को स्मॉल टी से व्यक्त करते हैं, सेकेंड में मापते हैं, अतः धारा का मात्रक हो गया कूलाम बटे सेकेंड अथवा उसी को एम्पियर कहते हैं। अब हम लोग एम्पियर की परिभाषा भी दे सकते हैं कि यदि इसको एक कर दें और इसको भी एक कर दें, तो यदि किसी बंद परिपथ में एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो, एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो किसी बंद परिपथ में एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो धारा का मान एक एम्पियर होता है। हम लोग दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं फ्रेंड्स, आप एक कूलाम आवेश बराबर एक कूलाम आवेश बराबर छह दशमलव दो पांच गुणे दस के घाते 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको भी नोट करें, 1,00,000 बार ये भी पूछा गया है। एक कूलाम
आवेश बराबर 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यदि 1 सेकेंड में 6.25 × 10⁻¹⁸, अतः यदि 1 सेकेंड में 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तब भी धारा का मान 1 एम्पियर होगा। धारा का मान 1 एम्पियर होगा। एक और भी हम लोग परिभाषा दे सकते हैं, एक और परिभाषा हम लोग दे सकते हैं, दो सीधे समांतर धारावाही चालक बनाना है हम लोगों को। दो सीधे समांतर कंडक्टर आपस में 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और यदि इन दोनों में धारा प्रवाहित कराने पर इनके बीच प्रति मीटर 2×10⁻¹⁷ न्यूटन का बल लगता है तो इसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। फिर से सुन लें, दो समांतर धारावाही चालक जो आपस में 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, यदि इनके बीच दोनों में समान धारा बहनी चाहिए, यदि इनके बीच 2×10⁻¹⁷ न्यूटन का बल कार्य करे तो इनमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। धन्यवाद।